प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 13वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक करके सभी टॉपिक्स इसके पूरे करेंगे, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उनके लिए जैसे मेरे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उन सभी का मैं प्रयोग करूंगा। इसके अलावा एक खास बात और है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर के जो है नोट्स तैयार कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन सभी नोट्स का जो पीडीएफ है बना करके मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, और ये मैंने मेरे हिसाब से काफ़ी आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, और इस चालक में से अगर विद्युत धारा गुजरती है तो ये चालक जो है ये खुद एक चुंबक की तरह से बिहेव करता है। किसकी तरह से बिहेव करता है? चुंबक की तरह से बिहेव करता है, चुंबक की तरह से व्यवहार करता है। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। तो देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होती है और चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। ओके, कि चुंबक क्या होती है और चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट वगैरह, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की एक ब्लेड है, तो ये जब मैं इसके पास रखूंगा तो देखिए इसको आकर्षित कर लेती है। तो ठीक उसी तरह से लोहे की जगह पे अगर निकल या कोबाल्ट भी अगर हम रखें तो उसको भी चुंबक क्या करती है? आकर्षित करती है। ये अलग अलग शेप के हमारे पास चुंबक अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं। जैसे यू आकार की एक चुंबक है, इसी तरह से जैसे ये जो चुंबक मैंने ली हुई है ये एक गोल चुंबक थी जो रेडियो टीवी वगैरह के स्पीकरों में हम यूज करते हैं, उसको मैंने तोड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इसके अलावा एक छड़ चुंबक भी होती है। छड़ चुंबक को समझने के लिए आप ये समझिए कि इसका जो इतना इतना भाग अगर हम कट कर लें तो ये भी एक छड़ चुंबक बन जाएगी। तो चुंबक आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें लोह, निकल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है वो चुंबक कहलाता है। अब चुंबक की एक खास बात और होती है कि अगर इसको स्वतंत्र अवस्था में लटका दें, जैसे इसको धागा बांध के लटका दें, तो जैसे मान लीजिए चुंबक ही है, इसको अगर आप यहाँ पर धागा बांध के लटका देंगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकेगा। ठीक, अब देखिए चुंबक का एक रूप और दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये दिक्सूचक है, तो यहां पर ये जो आपको सुई नजर आ रही है वास्तव में चुंबक ही है ये, और ये स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है। तो जैसे ये रुकेगी तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकेगी। ठीक, अब तो इसमें थोड़ा सा कंपन हो रहा है, तो अगर आप जस्ट एक मिनट इसका वेट करके देखें तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये इसका उत्तर दिखा रहा है, दूसरा दक्षिण है। तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब किसी तार में से विद्युत धारा गुजारे जाते हैं तो तार क्या है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और ये घटना क्या कहलाती है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो लोह, निकल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जिसमें गुण होता है वो चुंबक होता है, और चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही ठहरता है। ओके, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ से भी नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं चुंबक के गुणों की, कि एक गुण तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकेगी। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास चुंबक है, अभी इसके दो सिरे हैं
और इसको आपने धागा बांध करके स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया है, तो जो सिरा उत्तर की तरफ आकर के रुकेगा उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की तरफ आकर के रुकेगा उसको हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। एंड फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर, एज फॉर साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण होता है। तो अब देखिए कि आपको ये पता लग ही गया है दूसरे नंबर पे कि एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब देखिए इन दोनों ध्रुवों की मैं आपको खास बात बताता हूं कि यदि हम एक उत्तरी ध्रुव को दूसरे उत्तरी ध्रुव के पास लेकर के आते हैं तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक उत्तर के साथ दूसरा साउथ लेकर के आते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो देखिए कि जैसे इसका ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण अगर मैं पास में लेके आता हूं तो देखिए इसको इसने अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक। तो जब एक उत्तर दूसरा दक्षिण है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन ये देखिए उत्तर है और इसका दूसरी का मैं उत्तर इसके पास लेकर के आ रहा हूं, तो देखिए मैंने पूरा जोर लगा दिया लेकिन ये आपस में मिल नहीं रही है। अगर इसको मैं यहां रखूंगा तो देखिए इसको प्रतिकर्षित ही करेगी। ये देखिए। ओके। अब चुंबक का तीसरा गुण देखिए कि यदि हम किसी एक चुंबक को बीच में से काट देते हैं तो भी इसके उत्तर दक्षिण ध्रुव अलग अलग नहीं हो सकते। इसके दो चुंबक बनेंगे, वो भी अपने आप में कंप्लीट चुंबक होंगे। दो पीस जो बनेंगे वो अपने आप में कंप्लीट चुंबक होंगे। तो यदि आप किसी चुंबक को तोड़ते हो तो अगर बिल्कुल छोटा सा पार्ट, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल जैसे मैंने इसके तोड़ रखे हैं चुंबक के, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट चुंबक है। ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि चुंबक के ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा जोड़े में ही उत्पन्न होंगे। तो देखिए आप चुंबक के गुणों को यहां से देख सकते हैं कि पहला मैंने बताया कि जब इसे स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में आगे ठहरता है। दूसरा, जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ओके। अब आगे क्वेश्चन आता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? अब ये विक्षेपित थोड़ा सा गुड हिंदी का शब्द है कि जैसे ये दिक्सूचक है, इसने पूछा क्या है, तो इसको जब चुंबक के पास लेके आते हैं तो ये देखिए कि इसमें विक्षेपण हो गया। विक्षेपण का मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना। आप देखिए इसकी पोजीशन ये है, लेके आते थे एकदम से देखिए ये विक्षेपित हो गई, कहां से उठ करके कहीं चली गई, तो इसको हम कहते हैं विक्षेपित होना। ओके। ये क्यों हो जाती है? आप समझ गए होंगे कि दिक्सूचक की सुई जो है अपने आप में क्या है? एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। तो आप यही कहोगे कि दिक्सूचक की सुई भी क्या होती है? एक चुंबक होती है। जब दूसरी चुंबक इसके पास लेकर के आते हैं तो दिक्सूचक की सुई पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसके कारण ये क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर लिख भी दिया मैंने कि वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होती है, जब इसे किसी चुंबक के नजदीक लाया जाता है तो इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए विक्षेपित हो जाती है। अब आगे आता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो अनुभव कर सकते हैं, वो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक चुंबक रखी और जहां तक इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है हम अनुभव कर सकते हैं, वो जो क्षेत्र है इसके चारों तरफ का वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके। अब देखिए कि चुंबक, चुंबक के गुण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानने के बाद अब हम
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझने के लिए एक अरेस्टेड साइंटिस्ट थे, उनका एक प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि एक मोटी तांबे की तार ली, जिसको हम एक्स वाई का नाम दे देते हैं, और इसको जो है इस तरह से वर्टिकल अवस्था में रखा, जैसे पेंसिल है सीधी खड़ी, ठीक। और इसके बीचों बीच जो है एक गत्ते को इन्होंने पास कर दिया, ठीक। गत्ते को ऐसे समतल तल पे रखा, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ गत्ते को, ये समझ लीजिए कि इसके बीचों बीच गत्ते में से तार निकल रहा है। अब इस तार के साथ देखिए इन्होंने क्या किया कि एक बैटरी जोड़ी, ओके, और यहां पर एक जो है प्रतिरोध लगाया, धारा मापने के लिए एमीटर लगाया, एक बटन लगाया ताकि हम जब मर्जी चाहे धारा ऑफ कर सकते हैं। तो ये बैटरी हो गई, ये प्रतिरोध हो गया, ये एमीटर, ठीक। तो अब देखिए यहां पर इन्होंने एक छोटा सा दिक्सूचक रखा, जैसे अपने पास तो काफी बड़ा दिक्सूचक है, इसके बजाय इन्होंने क्या किया, एक छोटा दिक्सूचक इसके पास रखा। और जैसे ही इन्होंने की को ऑन किया, इस बटन को ऑन किया, ठीक, तो इसमें से क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक, क्योंकि बटन ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या हुआ कि इस दिक्सूचक में एकदम से क्या आया, विक्षेप उत्पन्न हुआ, एकदम से डिफ्लेक्शन उत्पन्न हुई, इसकी सुई जो है एकदम से हिली। अब इस दिक्सूचक की सुई हिलने का मतलब क्या है कि इसके पास जरूर कोई ना कोई चुंबक आई है, चुंबक तो और कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है जिसमें से विद्युत धारा गुजरी, विद्युत धारा गुजरने पर यह तार जो है चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, उसी वजह से इसके अंदर क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो अरिस्टिड ने जो है इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए, और इनके आधार पर उन्होंने कहा कि विद्युत और चुंबकत्व दो टॉपिक जो है आपस में संबंधित घटनाएं हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए अरिस्टिड के प्रयोग को आप यहां से देख सकते हैं कि यहां जैसे जैसे हमने चित्र बनाया ऐसे लिख दिया है कि इस प्रयोग में एक मोटे तार एक्स वाई को चित्र के अनुसार परिपथ में जोड़ा जाता है, एक छोटे दिक्सूचक जो है इसके पास क्षैतिज रूप में रखी जाती है, और प्लग में कुंजी लगाने से तार एक्स वाई में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसके बाद दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और इसी तरह के परीक्षणों के आधार पर अरिस्टिड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझने के लिए देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ड्राइंग बोर्ड है, एक लकड़ी का एक बोर्ड है, इसके बीच में हमने एक चुंबक पेस्ट कर दी है। अब इसके चारों तरफ जो है लोहे का चूर्ण है, बिल्कुल बारीक पीसा हुआ लोहा जो है, लोहे का चूर्ण इसके चारों तरफ बिखेर देते हैं। तो इस तरह से फैलाने के बाद जब हम इसको थोड़ा सा थपथपाते हैं, थपथपाने के बाद ये लोहे का चूर्ण है इस तरह से कुछ रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा, इन रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाएगा, और ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, ओके। तो आप यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ सकते हैं कि जब एक ड्राइंग बोर्ड पर छड़ चुंबक के निकट लोह चूर्ण को फैलाया जाता है तो लोह चूर्ण कई रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है, ये रेखाएं क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है।
और दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गमन करता है। इस लाइन का अर्थ मैं समझाऊंगा अभी। तो अब देखिए कि एक तो हमने यहां पर मेथड देखा कि किस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम दिक् सूचक की सहायता से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, पहले तो मेरे पास एक छोटी दिक् सूचक होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे मार्केट में मिली नहीं हो। तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि आप एक दिक् सूचक की सहायता से जो है प्रैक्टिकली कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रा कर सकते हो, कैसे आरेखित कर सकते हो। कि इसके लिए आपके पास एक छड़ चुंबक होनी चाहिए। छड़ चुंबक की जगह पर मैं एक सिंपल चुंबक ले रहा हूँ और इसके पास जो है एक बिंदु लगाई, जैसे ये बिंदु मैंने इसके पास लगा दिया, ठीक। और इस बिंदु के पास अब देखिए कि ये इसका जो ये वाला जो सिरा है, ये इसका नॉर्थ है, ठीक, और दूसरा इसका क्या है, साउथ है। तो देखिए नॉर्थ के पास अगर हम दिक् सूचक लेके आएंगे, इसके उत्तर के पास अगर दिक् सूचक लेके आएंगे, तो यहां से ध्यान से देखिए कि दक्षिण सिरा उत्तर की तरफ आ गया, उत्तर ध्रुव चला गया। जहां भी उत्तर का मुंह है वहां पर आपने एक बिंदु और लगाना है, ओके। फिर अब ये दक्षिण जो है इस बिंदु के ऊपर ले आइए आप, ठीक। तो इस तरह से अगला बिंदु लगा दीजिए, फिर उससे अगला लगाएंगे। तो इस तरह से बिंदु लगाते जाएंगे तो लास्ट में क्या है कि इसमें थोड़ी सी पहले इधर मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी, फिर इधर, फिर वापस ये साउथ पर आकर के खत्म हो जाएगी। ये बात है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक छड़ चुंबक है, ये दिक् सूचक है। तो छड़ चुंबक का ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो शुरू में जो है ये इस तरह से साउथ की तरह आ जाएगा। आपने एक बिंदु यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, फिर इसको यूं का यूं उठाया, यहाँ रख दिया। अब ये इस तरह से होगा, आगे वाला बिंदु लगाते जाओ, ऐसे उठा करके लगाते जाओ, ठीक। समझ गए बात को? जैसे जैसे आप ये लगाते जाओगे तो इस तरह से आपको कई सारे बिंदु मिलते जाएंगे। अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा हमारे पास होगी, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक। तो इस टाइप से फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, इस साइड में, इस साइड में, और इधर बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए दिक् सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किस तरह से आरेखित करते हैं प्रैक्टिकली, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर एग्जाम में आए तो लिखना कैसे है कि एक कागज की शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रखें तथा कागज के बीच में एक छड़ चुंबक रखें। एक दिक् सूचक को चुंबक के उत्तरी ध्रुव के नजदीक लाइए। फिर दिक् सूचक की सुई को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उसका दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करें। एक नुकीली पेंसिल से उसके दोनों सिरों की आकृतियों को अंकित करें, ठीक। अब सेकंड स्टेप ये बड़ा समझा रहा हूं कि दोनों बिंदु हमने अंकित कर दिए हैं। अब दिक् सूचक को इस प्रकार रखिए कि उसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति में आ जाए जहां पहले उत्तर था। पहले उत्तर यहां था, अब दूसरी पोजिशन में जो दिक् सूचक है उसका दक्षिण यहां आना चाहिए, ठीक। और इस तरह से इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। जो प्राप्त बिंदु आएंगे उनको हम मिलाते रहेंगे और जो वक्र हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर एक कर्व जो प्राप्त होगा वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। इस तरह से हम कई सारी क्षेत्र रेखाएं जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ओके। अब देखिए कि एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से नोट करने वाली है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमने अभी पढ़ा कि चुंबकीय चारों ओर का क्षेत्र, जहां पर इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर हम इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है, एक सदिश राशि है। देखिए दो तरह की राशियां होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि को सिर्फ उसके परिणाम से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है, किसी चीज का द्रव्यमान बता दें भी इसका 2 किलोग्राम द्रव्यमान है तो उसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है। लेकिन सदिश राशियों में क्या है कि जिसका परिणाम भी बताना होगा और दिशा भी बतानी होगी, तब ये कंप्लीट रिप्रेजेंट होगी, तभी कंप्लीट हम बता सकते हैं। तो जैसे
चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि, यानी इसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक, तो परिणाम तो यहां से डिटेक्ट हो ही जाएगा कि जितनी ज्यादा विक्षेप होगा इसमें, क्या कहते हैं, दिक्सूचक में, उतना ही स्ट्रांग वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितना ज्यादा विक्षेप, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, उतना स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र होगा। और दिशा की अगर हम बात करें तो किसी बिंदु पर, मान ले दिशा देखनी है आपने, यहां पर जैसे चुंबक है, इसके इस पॉइंट पर दिशा देखनी है आपने, तो यहां पर दिक्सूचक रख दीजिए। जो उत्तर दिशा की जो डायरेक्शन है वही क्या है यहां पर दिक्सूचक की, सॉरी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदेश दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ओके, आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए कि जैसे हमने यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं खाएं खींचने सीखी, जैसे साउथ ये नॉर्थ, तो हम ये मान के चलते हैं, ये परिपाटी है इसकी, ये एक फिजिक्स के अंदर परंपरा बनी हुई है कि हम ये मान के चलते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से शुरू होते हैं, उत्तर उत्तर ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। उसके बाद ये चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। इस तरह से ये क्या है, बंद वक्र है। ठीक, तो ये जो मैंने तीर का निशान दिया है ये इसकी दिशा बता रहा है। ठीक, तो यहां से इस तरह से मैं एक बार दो तीन रेखाएं और खींचता हूं, फिर आपको कई सारे बिंदु इसके बताऊंगा। ओके, तो अब देखिए कि यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी नजदीक नजदीक है, काफी निकट है, और यहां पर दूर दूर है। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, वहां पर इसकी ताकत ज्यादा होगी, प्रबलता अधिक होगी। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होगी, दूर दूर होगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। और अब तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसका कारण है, आपको, अब कोई बच्चा कह सकता है लो जी एक रेखा ये खींची, दूसरी ये खींची, काट गई, ऐसे कैसे काट गई। तो देखिए हम इसको सिद्ध करें कि नहीं काटती। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा देखनी है तो हम यहां क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, दिक्सूचक रखते हैं। और उसका नॉर्थ आपको क्या देगा, उस स्थान पर, उसका उत्तर ध्रुव क्या देगा, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर इस जगह पर हम दिक्सूचक रख दें तो उत्तर जो है इस दिशा में भी होगा और उत्तर इस दिशा में भी होगा, यानी दो दिशाओं में उत्तर होना पड़ेगा उसको। ठीक, तो क्या एक दिक्सूचक का उत्तर दो दिशाओं में हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, जब नहीं हो सकता तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो जो तीनों पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं वो लिख के बता रहा हूं मैं अभी, कि देखिए चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, रेखाओं के गुण जो है, पहला तो परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है,
तथा चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए बंद वक्र होती है। दूसरा पॉइंट, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, और जहां ये रेखाएं अधिक विरल होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। और तीसरा पॉइंट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है एक नंबर में क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।